कैसे हैं दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ताप्ती नदी पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो ब्रिज बना जा रहा है। हालांकि मैं आज से 6.5 महीने पहले आया था, 14 जनवरी को मैं इस जगह पर आया था जब सब लोग पतंग उड़ा रहे थे और हम लोग यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आए थे। और इस लोकेशन की बात करूँ तो ये लगभग कामरे से 10 किलोमीटर की दूरी पे आता है। देगास और नेत्रंग गांव के बीच में ये लोकेशन है और इसके पास ही हम आपको कल दिखाने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फेज 3 का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। जब आया था तो इस जगह पर खाली नीचे जमीन का काम कम्प्लीट था, अर्थवर्क का काम कम्प्लीट था। इसके बाद में भी आप देख सकते हैं मिट्टी डाल के यहाँ पर फ्लोरिंग का काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला दोस्तों। आप देख सकते हैं जो काफी अच्छा आपको मैं अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और काफी सारे कमेंट आए थे कि ताप्ती नदी का अपडेट दीजिए जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ब्रिज बनाया जा रहा है। तो उसी जगह पर मैं पहुंच चुका हूँ। इस जगह आप देखेंगे तो ये सामने नेत्रंग विलेज है और इस जगह पर आप देखेंगे इस तरफ तो ये है दिगास गाँव। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जो गलतेश्वर वाला हाईवे है, गलतेश्वर वाला रोड है, उसके ऊपर इसका ब्रिज बनाया जा रहा है, फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है। तो ये आज आपको आज खास करके दिखाने के लिए आया हूँ जो इसका ब्रिज का काम कैसा चल रहा है जो है ताप्ती नदी की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह पर अभी अर्थवर्किंग का काम है जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में एनएचए का काम, फ्लोरिंग का काम, ये रोड का काम है ना वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और अभी बारिश ज्यादा है ना तो इस जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कंकड़ पत्थर डाले हुए ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो आराम से यहाँ से निकल सके। और मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 8 लाइन का एक्सप्रेस वे आप सभी को पता ही होगा जो कि ये दिल्ली से लेके और जो कि मुंबई को कनेक्ट करता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों जो कि ये दिल्ली समेत दिल्ली के अन्य 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वैसे दिल्ली को मिला के 6 राज्यों से गुजरता है ये। और ये हरियाणा के नज़दीक सोना से होकर निकलता है, मैं आपको बता दूं। और ये जाता है सीधा मुंबई के लिए कनेक्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल अभी इसको 8 लाइन का बनाया जा रहा है और भविष्य में इसको 12 लाइन का बनाया जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर इस जगह को पूरा कवर किया हुआ है। आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके बाद दिखा दूँ। उस जो बाजू में आप देख रहे ना वहाँ तक ये पूरी NHAI की ज़मीन है और यहाँ पर पूरा एक काम जोरों शोरों में चल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से इसको बनाया जा रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं इसका फेज 1 का तो शुभारंभ कब का हो चुका है जो कि सोना से लेके और दौसा तक है। उसके बाद में दौसा से भी कोटा के लिए बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और ये धीरे धीरे आगे की तरफ फेज 1, फेज 2, फेज 3 को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से इसमें काम की गति बढ़ती जाएगी दोस्तों, उस हिसाब से इसको ओपन किया जा रहा है। तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ ताप्ती नदी के पास, वहाँ का आपको अपडेट दिखा के फिर आगे का और अपडेट दूसरी तरफ का पीछे का और दिखाने वाला हूँ। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े गार्डर वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ से उठा के इनको ताप्ती नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। काफ़ी जोरों शोरों में काम चालू है दोस्तों। अभी मैं आपको फाइनली वहीं पर लेके चलूँगा। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं चारों तरफ ये जो गार्डर वगैरह रखे हुए हैं, ताप्ती नदी का काम है जिसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें काम आने वाले हैं दोस्तों। रास्ता आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का काम कितना हुआ है वो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ ताप्ती नदी के पास में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पैम गार्डर यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि बहुत जल्दी ये ब्रिज के ऊपर लॉन्च होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ ये ब्रिज जो बनाया जाएगा टोटल यहाँ पर 12 लाइन का बनाया जाएगा। इसको अभी से 12 लाइन पर कवर किया हुआ और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं लॉन्चिंग का काम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आगे जाने का क्या थोड़ी परमिशन नहीं है लीगल तरीके से, यहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये बहुत जल्दी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा, फिर आपको जल्दी जल्दी इसका अच्छे से अच्छे मैं आपको कवर करके इसको वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों में। ये आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च होंगे तो उसके बाद ये ब्रिज काफ़ी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा, अभी मैं आपको बता दूं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, एक इस तरफ का पूरा लेवल कम्प्लीट कर दिया गया है, इस तरफ का अभी बाकी है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी आएगी, बाहर से मिट्टी रखी जाएगी क्योंकि फिलहाल क्या बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल क्या बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश में अभी काम काफ़ी स्लो हो गया है वाला क्योंकि बारिश में ज़्यादा जल्दी इसको काम कम्प्लीट नहीं किया जा सकता है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये तीन रखाएंगे, मैं आपको बता दूँ तीन इस तरफ रखाएंगे, तीन एक तरफ में रखाएंगे। तो उसी हिसाब से इनको सेट किया गया है अभी क्योंकि यहाँ पर ब्रिज के ऊपर ऑलरेडी 12 लाइन का बनाया जा रहा है। इसको मैं जैसे जैसे हो सकेगा मैं आपको वैसे वैसे वीडियो में बना के दिखाता रहूँगा दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ये अपडेट। तो अभी फाइनली आप देख सकते हैं जो कैसा काम इस जगह पर चल रहा है दोस्तों। और इस जगह पर ये क्या इन्होंने कंक्रीट यहाँ पर ला के रख रखी है ताकि इस पर बिछा के इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से चल सकती हैं इसके लिए दोस्तों।
और मैं फिलहाल वापस की तरफ आ गया हूँ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि गलतेश्वर का जो रोड है, रोड मेन गलतेश्वर कामरेज रोड है, उसके ऊपर जो इसका फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ना, फ्लाईओवर का अपडेट आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार के स्पैम होते हैं, इनको डालने के बाद में इसमें ये कसे जाते हैं पाइप लगे हुए इसके अंदर होके, इनको अच्छे से कसा जाता है। फिर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो कि ये काफ़ी मजबूती से इनको रखा जाता है, उनके बाद में इसको ग्लू लगा के इसको बहुत ही हैवी करके इसको चिपकाया जाता है, दूसरे में कनेक्ट किया जाता है। और ये फिलहाल इसी जगह पर तैयार किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई थी यहाँ की, उस वक्त इसका काम चालू था जब इसको बनाया जा रहा था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो इसका फ्लाईओवर बन रहा है ना, वो दिखाने वाला हूँ। इसका इंटरचेंज बन रहा है एना गांव के पास और एक बन रहा है कीम के पास, ये देख सकते हैं जो काम इसका चल रहा है अभी जोरों शोरों में। देख सकते हैं ना, इधर का लेबल पूरा कंप्लीट करने के बाद में उस तरफ का लेबल बाकी है, भी बराबर करना है, जो मिट्टी का काम है वो भी बाकी है, और यहाँ पर जो है अर्थवर्क का काम कंप्लीट है, बाजू का थोड़ा अधूरा काम है, तो वहाँ पर ही बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जैसे बारिश खत्म होगी। भी बारिश की वजह से मिट्टी को लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि गाड़ियाँ फंस जाती हैं इसमें, आप सभी को पता ही होगा कि बारिश में कितनी दिक्कतें आती हैं। फिर भी काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, जितना हो सकता था उतना जल्दी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये देखिए पिंक शैंपेन, आई एम टोटली वाइबिंग, इट्स ट्रू व्हाट दे से, इट्स ऑल अबाउट। तो गाइस, जैसे कि जिस साइड से मैं वीडियो बनाता हुआ ला रहा था उससे थोड़ा आगे आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा रोड है, उसको क्रॉसिंग करता हुआ जो ब्रिज का काम चालू है, मतलब फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है उसका काम मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नीचे होकर निकलूंगा मैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन है और आप देख सकते हैं यहाँ का काम बहुत ही जोर शोरों में चालू है, आगे से बनता हुआ आ रहा है। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं जो ये रोड है ये सीधा जा रहा है, NH 48 को कनेक्ट कर रहा है इस जगह से जो कि जा रहा है कामरेज के लिए, और इधर से सीधा गलतेश्वर के लिए जा सकते हैं, मतलब दो तीन गांव के लिए कनेक्ट करता है देगा गांव पास में ही। तो इस जगह पर इसका जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं, गार्डन लॉन्चिंग का काम हो चुका है, सिगमेंट वगैरह सब कम्प्लीट हो चुका है, और इधर भी आप देख सकते हैं मिट्टी का काम कम्प्लीट करके जल्दी यहाँ से फ्लाईओवर बन के रेडी हो जाएगा, और यहाँ पर ये मैक्सिमम मतलब 2025 में कम्प्लीट होगा, इस जगह का डेट है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बारिश की वजह से वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो रहा है पूरी जगह पर, दोस्तों देख सकते हैं इधर, ये मैं आपको अपडेट दिखा पा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था अपडेट। तो वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था उसमें कितना काम था, और अभी मैं आपको कंपेरिजन करके देख सकते हो, मैं इसकी जो पिछली वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। सो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग मतलब मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल क्या थोड़ा बारिश की वजह से कीचड़ ज़्यादा हो रहा था, हम गाड़ी भी नहीं चल पा रही और खुद भी पैदल भी नहीं चला जा रहा था इस जगह से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो रूट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, भारत का सबसे बड़ा 8 लाइन एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली से स्टार्टिंग होता है, यानी दिल्ली मतलब दिल्ली के अन्य राज्यों के अलावा 5 राज्यों से होकर गुजरता है ये, और ये दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में सोना से निकलता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और ये जाता है सीधा दिल्ली मुंबई के लिए कनेक्ट करता है ये, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करता है मैं आपको बता दूँ, और 1 लाख करोड़ रुपये के बजट से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और मैं आपको इसी प्रकार से इसके लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पिछली वजह आती है, यहाँ पर कुछ भी जमीन का खाली अर्थवर्किंग का ही काम कंप्लीट था, अभी फ्लोरिंग का काम इसका स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे हम आपको इसके नए नए अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको तो नए नए अपडेट देखने को मिलते रहते और हमें मोटिवेशनल पैदा होता है। दोस्तों इतना ही, जय हिंद जय भारत।